मोहरे एप्लीकेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, और ये उन सब लोगों के लिए करवाई हुई है जिनको कोई मसला मसाइल होता है ना यूएई के अंदर, वो इस एप्लीकेशन को यूज करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं टू द पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, अब ये करना कैसे है मैं आपको साथ ये जो है ना डेमो यहाँ पे दिखाता जाऊंगा, आप इसको देख लें और इसको फॉलो करते हुए ना अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। क्योंकि सबको जब मैं ये कहता हूँ ना कि भाई ऑनलाइन आप चले जाएं तो गूगल के ऊपर जाके उसको लिखें और वहाँ पर जाके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को निकालें, वहाँ पर चले जाएं, लेकिन जाने में सबको तकलीफ होती है। तो भाई मेरे आप लोगों के लिए एप्लीकेशन है, सामने मैंने डेमो दिखा दिया है, इस स्टेप को फॉलो करें और सीधा जाके जो है ना अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराएं। अब रजिस्टर कराने के बाद क्या होता है कि आपको कॉल आती है वेरिफिकेशन, पहले तो ओपीटी कोड आता है ना ताकि आपको पता लग जाए कि भाई बंदा जेन्युइन वहाँ पे बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ, तो आपको जब कोड आता है वेरीफाइड हो जाता है, उसके बाद जो है आपको कॉल आती है और वेरीफाई करती है कि भाई आइदर ये कंप्लेंट आपने डाली है और ये, उसके बाद अगर ये कंप्लेंट प्रॉपर्ली जब रजिस्टर हो जाती है आपको वो कहते हैं रेफरेंस नंबर दे दिया जाता है उस कंप्लेंट का, उस रेफरेंस नंबर के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं और उस रेफरेंस नंबर के थ्रू जो है ना आपके अरबाब को जो आपसे कंपनी ओनर है ना उनको कॉल्स आती हैं और वो जो आपने क्वेरी डाली होती है जो भी कंप्लेंट डाली होती है ना, ठीक है, वो उसका हल वहाँ पे निकालते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि मेक श्योर करें कि अगर आप कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं तो यू आर फ्रॉम द पर्टिकुलर कंपनी, ये ना हो कि भाई आप चौथी कंपनी से और दूसरी कंपनी के ऊपर कंप्लेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपका एम्प्लॉयर है ना, जो आपका एमरस आईडी के ऊपर एम्प्लॉयर है, सिर्फ आप उसी के ऊपर ही कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। इस एप्लीकेशन को मैंने आपने दिखा दिया, दिखाने का मकसद ये है कि जब लोगों को समझाया जाता है ना कि भाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें तो चूचे और को कहते हैं कुगू बन जाते हैं, समझ इन लोगों को कुछ नहीं आती, तो ये सामने दिखाई भी है, फॉलो करते जाएं। अब ये ना पूछें भाई इसके बाद कौन सा स्टेप होता है, इतने छाने आप लोग दुनिया में बन जाएं कि भाई आप लोगों को थोड़ा सा अगर सेंट दी जाए ना तो आगे स्टेप बनाने आप लोगों को आने चाहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में भाई, फॉलो करें इस चीज़ को, जो भी कंप्लेंट है आप इसके ऊपर रजिस्टर करें और आपको इसके ऊपर वेरिफिकेशन कोड आएगा उसको फॉलो अप करके जो भी अपनी कंप्लेंट को रिजॉल्व करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय। Open the Mohri app, then go to the menu section at the bottom right and click on Services. Click on the Employees tab, then click on Complain. If you are a domestic worker, then click on Register Domestic Worker Complaint. Then you click on Apply for Service. Add your name and verify your mobile number, then select Employee or Domestic Worker. Add your labor card number or your passport details, then click Search. You should find your name below. Click on the most recent company you are working for, which is going to be at the bottom of the list, and then click Add Complaint at the right of the table. Note down your complaint number, then fill your personal information and add the complaint type. Finally, click Register Complaint. Once you register the complaint, the ministry should get in touch with you to confirm the details of your complaint.